चैनल S11 न्यूज आवाज से अंजाम तक। पूरे भारत भर की तरह दादरा करौली प्रदेश में भी लॉकडाउन जारी है और लोग घर पर ही रहकर लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। इसी विषय में हमने एक परिवार से बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपना समय व्यतीत किया और किस तरह वे संक्रमण ना फैलने की सुरक्षा बरत रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो दादरा नगर हवेली प्रशासन को, खासतौर पे दादरा नगर हवेली की जो प्रशासन है, उन्होंने जिस हिसाब से अपने यहाँ पे जो कोरोना को रोकने के लिए जो मतलब सुविधाएं की है, मतलब जिस हिसाब से लॉकडाउन को पूरा पालन यहाँ पर कराया जा रहा है और प्रशासन की जो मुस्तैदी है, मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खास करके अपने SMC के अध्यक्ष राकेश भाई चौहान, CO साहब मोहित मिश्रा जी और जितने भी इस कार्य में लगे हुए सभी लोग, डॉक्टर्स खास करके डॉक्टर जो आज हमारे भगवान के रूप में हैं। लोग कहते हैं कि मस्जिद में, मंदिर में भगवान अब क्यों बंद है, लेकिन भगवान, मैं कहता हूँ, बंद नहीं है। भगवान ने अपने रूप में, अपने डॉक्टर के रूप में खुद भगवान आए हुए हैं, सफाई कर्मचारी के रूप में खुद भगवान आए हुए हैं और पुलिस के रूप में खुद भगवान हमें बचाने और समझाने आए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो नहीं समझता है, तो फिर जब भगवान की ना समझे तो और क्या सही। और मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं हूँ, मैं तो उल्टा मेरे परिवार के साथ हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है मुझे कि इसकी मैं 21 दिन मेरे परिवार के साथ मुझे रहने का एक मौका मिला और मैं इस कोरोना वायरस, और वो मौका भी मैं एक इस मुझे कोरोना से मिला हूँ, वो हमारे देश के लिए बहुत ही ये है। कोरोना आज की स्थिति में इससे निपटना भारी है, लेकिन मैं उसको एक कैदी की तरह नहीं, मैंने 21 दिन निकाला, मैंने उसको एक परिवार को अपना बना के और एक देश सेवा के प्रति मैं घर में रहकर उसको पूरा निकाला मैंने। मेरे ख्याल से जब 21 दिन का लॉकडाउन पूरे भारत में लगाया गया था, तब हमारे कोरोना की संख्या सिर्फ 500 से 600 लोगों की थी। उस दिन 21 की तरह आज हम 8000 के प्लस आंकड़ा कोरोना ग्रस्त हिंदुस्तान में हो चुका है। और दादरा नगर हवेली में एक केस आई थी जिसको मुंबई शिफ्ट किया गया है। अभी आज की सिचुएशन में दादरा नगर में एक भी केस नहीं है, लेकिन जब हम 500-600 की इसमें 21 दिन का हम लॉकडाउन करते हैं और आज अगर देश में 8000 है, तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन और बढ़ाना ही उचित रहेगा। देखो भाई, 21 दिन का लॉकडाउन लगा है तो हम सब लोग घर में बैठे हैं, हम सब लोग 10 लोग है घर में, 3-3 फीट के दूरी पे बैठते हैं घर में भी और अच्छे से रहते हैं और बाहर जाते हैं। मेरे दोनों लड़के बाहर जाते हैं तो मैं सैनिटाइजर का, साबुन का बाहर के बाहर उसको यूज करने को बोलती है, तो घर में आते वो कपड़े निकाल दो बाहर से आए तो, और अच्छे से स्नान कर लो, फिर बाद में परिवार के साथ रहो, ऐसा हम कर रहे हैं। और मैं बाहर जाती हूँ, पूरा सब्जी लाने को जाती हूँ, सब्जी लेके आती हूँ, पूरा गर्म पानी में धोके उसका वापर करती हूँ और सब हम लोग खुशी है घर। मैं दर्शक को तो ये संदेश देना चाहती हूँ, लॉकडाउन से अपना बहुत कुछ फायदा है और अच्छे से घर में रहो। सरकार कहता है कि घर में रहो, सब तो देख रेख कर रहे, सरकारी कर्मचारी देख रहे कर रहे, पुलिस कर रहे, डॉक्टर कर रहे, सब लोग कर रहे, अपने को खाली घर में रहने से बता रहे, तो अच्छे से रहो और हमारा टाइम पास भी अच्छा हो रहा है, सब अच्छा है, हम सब खुशी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहान है। देखिए, बात ऐसी है कि लॉकडाउन जो है ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारी सुविधा के लिए रखा गया है, क्योंकि लॉकडाउन में अगर हम घर पे हैं तो सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि हम देशभक्त हैं। अगर हम लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, हम घर के बाहर जा रहे हैं, सरकार का कहना नहीं मान रहे, तो हमसे बड़ा देशद्रोही इस समय में आतंकवादी से भी बड़ा देशद्रोही हम कहे जाएंगे, क्योंकि सरकार का कहना यही है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। जब सरकार हमें इतना बड़ा आश्वासन दे रही है, सरकार हमें सब कुछ करने के लिए, सब कुछ देने के लिए रेडी है, तो फिर हम क्यों ना उसका पालन करें। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है। और रही दूसरी बात, तो हम घरों में हैं, अपने परिवार के साथ है। अगर सबसे अगर देखा जाए तो कई लोग अलग अलग शहरों में, कई पिताजी जो है, बच्चों के पापा जो है किसी दूसरे शहरों में है, बच्चे कहीं फंसे हैं, वो अकेली औरत बच्चों को संभाल रहे हैं, या फिर माँ कहीं मायके में पड़ी है तो बच्चे पेरेंट्स के पास, पिताजी के पास पड़े हुए हैं, तो उनकी बहुत असुविधा हो रही है। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो जिन लोगों के पास, जो सारा दिन कमा कर खाते थे और आज उनको खाने के भी वांदे पड़ रहे हैं, क्योंकि वो कमाएगा तो खाएगा, ऐसी सिचुएशन उनके सामने थी, पर आज सरकार उनके लिए भी बहुत कुछ कर रही है।
तो हमें ये समझ लेना चाहिए जो घरों में है अपने परिवार के साथ में है, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम अपने परिवार के साथ में है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा राजा कौन है, हमें पालने वाला हमारा राजा कौन है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी है जो खुद भी घर के अंदर में बैठ के ही सारे काम कर रहा है, वो खुद बाहर नहीं निकल रहा है। जब वो उसके जैसा इंसान, राजा जैसा इंसान, प्रधानमंत्री हमारे देश का, वो अगर घर में बैठ के अगर अपने सारे काम कर सकता है तो हम तो उतनी बड़ी हस्ती है नहीं, उसको तो सारे देश का देखना है। और सिर्फ उसको हमारे देश का नहीं तो दुनिया के 30 देशों से उसको कहा गया है कि आप हमारी मदद कीजिए। तो सोचो वो अगर 30 देशों को भी अगर अपने घर में बैठ के हैंडल कर सकता है तो हमें तो सिर्फ अपने परिवार को देखना है, हमें अपने परिवार को चलाना है। तो इसमें हमें घर में रहने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जब हम अपने घर में हैं तो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपने मिसेस के साथ, मम्मी पापा के साथ में बहुत खुशी से हैं। हम सारा दिन खेलते रहते हैं और दूरदर्शन पर जो रामायण महाभारत सीरियल आती है 2 घंटे सुबह शाम, 1-1 घंटा आती है, तो वो देखने में हमारा वैसे भी समय सुबह शाम का ऐसे स्पेंड हो जाता है। और फिर दोपहर में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हमारे पास है, या फिर यूट्यूब चैनल है, या फिर जो भी हमें इंटरनेट सुविधाएं मिलती है उसके ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हम डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ के भी हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अभी ये हमें जो समय मिला है, इस समय में हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी की लाइफ इतनी भागदौड़ भरी हो गई है, उसमें हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे थे, अपने मिसेज को, अपने पेरेंट्स को समय नहीं दे पा रहे थे, अब हम उनके साथ में वो टाइम दे पा रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ पर हम किसी चीज़ को पढ़ने, मतलब किसी बुक को पढ़ने की हम सोचते थे, जिस बुक का सिर्फ एक पन्ना पढ़ने को हमें 1-1 हफ्ता लग जाता था, आज हमारे पास वो पूरी बुक पढ़ने का टाइम मिल रहा है। तो ये हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, हम सभी अभी घर में हैं और फ्री हैं, हमारे पास और बाहर के बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं। किसी के पास हो सकता है ऑफिस के कुछ काम लैपटॉप से, वो घर से कंप्यूटर से कर रहे हो, लेकिन उनके अलावा भी जो लोग बहुत फ्री है उनके पास कोई काम नहीं है। तो वो सबसे पहली बात तो आप मेडिटेशन पर फोकस कर सकते हो, जो हमें आज इस समय जिस प्रकार से हम शरीर को हेल्दी रखने के लिए खुराक खाते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार हमारे मन के लिए भी बहुत जरूरी है मेडिटेशन। ये हमारे मन की खुराक है। तो अगर आप दिन में 10-15 मिनट भी सुबह शाम मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर आप रोज 5 मिनट ध्यान करते हो तो आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान से मिल रहे हो, और अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हो तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान से मिलने का मौका खो रहे हो। ये स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना था। और इसके अलावा आप अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटी सी टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक अथवा समुद्री नमक जिसको कहा जाता है, काला नमक हम जिसको कहते हैं, उसको आप 1-2 लीटर पानी में 2-3 चम्मच डाल के उसको घोल दीजिए। और जिस प्रकार आप बाहर जाते हो तो बाहर जाने से पहले उसके अंदर में हाथों को और पैरों को धुलाई कर लो, उसी में सिर्फ भिगो लो और उसको वैसे ही उसी प्रकार से सूखने दो। चाहे तो अपने चेहरे पर भी लगा सकते हो, अपने बालों पर लगा सकते हो और उसको सूखने दो, तौलिए से उसको पोंछना नहीं है, और उसको सूखने दो और फिर आप बाहर जाइए। क्योंकि समुद्री नमक में ये जो काला नमक होता है, सेंधा नमक होता है, उसमें 94 प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, और ये माइक्रो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, और ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं। तो ये वायरस को हमारे बॉडी पर, अगर वायरस आ भी जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस हो आ भी जाता है, तो हमारे बॉडी पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता है, वो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए आप इस प्रकार छोटे छोटे नुस्खे भी यूज कर सकते हो। और जिस प्रकार से पतंजलि ने भी एक काढ़ा बताया है जिसमें तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च, दालचीनी वगैरह ये डाल के, और काला गुड़ ये डाल के भी आप काढ़े पी सकते हो, तो जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप छोटे छोटे नुस्खे अपने ही घर में ये सारी चीजें यूज करो, तो आप हेल्दी भी रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।